हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम आपका सोशल स्टडी मैराथन क्लास 8 लेने वाले हैं। उससे पहले हमारा 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म एंड थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी। आपने बहुत सपोर्ट किया ये वाला सेशन में, और अभी हमारा और दो सेशन के साथ ये वाला पूरा सोशल स्टडी का पूरा सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। और फिर अभी आपका दो एक लेक्चर में आपका मैं पूरा रीजनिंग भी ख़त्म करा के दे दूँगा। तो हमारा सोशल स्टडी मैराथन और हमारा रीजनिंग भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर रीजनिंग ख़त्म होने के बाद फिर हम आपका रेगुलर मैथ्स क्लास भी शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि हमने एक बहुत एक अच्छा या कोई एक राइटफुल गाइडेंस देने का कोशिश किया आपको। आपका रीजनिंग और आपका मैथ्स भी इस महीने के लास्ट तक या फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका रेगुलरली जो अब हमारा प्रीवियस ईयर सेशन चल रहा है मैराथन में, वो हमारा चलता रहेगा। और फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे अगले महीने में पूरा जो भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट 5 ईयर्स का, वो हम आप एक एक करा के वो हम आपको करा के दे दें। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट ये था कि सर अभी आप प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन अभी हमें प्रीवियस ईयर स्टार्ट करना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पहले हम थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वगैरह कवर कर ले, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर हमारा फाइनल टच होगा। क्योंकि अभी अगर हमने आपको मैथ्स और रीजनिंग नहीं कराया और ये सोशल स्टडीज़ GS अगर नहीं कराया, तो आप उस टाइम पे आप प्रीवियस ईयर नहीं कर पाएंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं कर पाएंगे ना, तो सर आपका मॉरल डाउन हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले आपका लेवल अप कर लें, उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ना सर, तो आपका एक ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन आएगा कि नहीं, हम प्रीवियस ईयर कर पा रहे, तो हम फाइनल असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम होगा वो भी, मतलब वो भगवान करे, हम बहुत अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, हम बहुत एक अच्छे और एक जोश और एक एनर्जी और एक मोमेंटम के साथ लगे हुए हैं आपका इस जर्नी में, और आपका कंपनी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए सर शुरू करते हैं आज का मैराथन क्लास 8। जो लोग नए हैं या फिर जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, आगे आपका पूरा नोटिफिकेशन सब कुछ मिलता जाएगा। एक्चुअली क्या है, सब्सक्राइब करके रखने से आपका ये ट्यूटोरियल वगैरह आपके सामने आ ही जाएगा, लेकिन क्या होता है, नहीं तो फिर इतना हम चैनल वगैरह फॉलो करते हैं तो हम मैसअप हो जाते, फिर हमें नोटिफिकेशन या फिर वो आता ही नहीं है जो हम फॉलो कर रहे थे। तो चलिए सर हम शुरू करते हैं आपका मैराथन क्लास 8। ये आपका 50 क्वेश्चन का सेट होने वाला है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक पेज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 तक लिखिए, 1 to 50 तक नंबरिंग करके रखिए। हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप अपना आंसर ऑप्शन के सामने आप लिखेंगे, फिर उसके बाद हम आपको जब आंसर प्रोवाइड कराएंगे तो आप अपना आंसर क्रॉस चेक करके हमें कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बोलेंगे कि आपको आउट ऑफ 50 कितना आ रहा है। ठीक है सर, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का सोशल स्टडी मैराथन क्लास 8। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ नोन एज द फैल्कन ऑफ द वर्ल्ड। हु इज नोन एज द फैल्कन ऑफ वर्ल्ड। फैल्कन ऑफ द वर्ल्ड किन्हें बोला जाता है, बोलिए सर। राइट आंसर इज योर बेनो हरालू। बेनो हरालू इज योर इज नोन एज योर फैल्कन ऑफ द वर्ल्ड। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, साइंटिफिक नेम ऑफ असम टी इज। असम टी का साइंटिफिक नेम क्या है सर, बोलिए। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इज योर कैमेलिया साइनेंसिस एसामिका। कैमेलिया साइनेंसिस एसामिका, अगर कुछ हम प्रोनाउंसिएशन में अगर गलत कर रहे हैं तो आप हमें करेक्ट कीजिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, बाय व्हाट पॉपुलर नेम इज सैयद शाह मिलन नोन इन असम। बाय व्हाट पॉपुलर नेम इज सैयद शाह मिलन नोन इन असम। शाह मिलन किनको बोला जाता है सर, बोलिए। राइट आंसर इज योर अजान फकीर। राइट आंसर इज योर अजान फकीर। शाह मिलन नाम है आपका अजान फकीर का। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, डिपर बिल इज द ओनली रामसर साइट ऑफ असम इज लोकेटेड इन।
दीपर बिल कहाँ पे है सर बोलिए? ओनली रामसर साइट, हमारा रामसर साइट एक ही है, वो है आपका दीपर बिल। आपका क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है सर बोलिए? राइट आंसर इज़ योर कामरूप मेट्रो। बहुत अच्छा, फिर नेक्स्ट आप हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है देखिए, हु रोड प्रहलाद चरित्र। प्रहलाद चरित्र कौन लिखे थे सर बोलिए? प्रहलाद चरित्र आपका लिखे थे हेम सरस्वती ने। प्रहलाद चरित्र हेम सरस्वती, तो आप ऐसे याद कर सकते, सरस्वती का चरित्र बहुत अच्छा था, तो आप इस हिसाब से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच फॉरेस्ट इज़ सिंगल हैंडेडली प्लांटेड बाय जादव पायंग? जादव पायंग को आपका फॉरेस्ट मैन ऑफ आसाम, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, जिनको इंटरनेशनल काफ़ी अवार्ड मिला है, जो आसाम से है, आपको पता है, ये हमारे प्राउड हैं। आपको बोलना है कि ये जो फॉरेस्ट खुद से जो बना लिए थे आपका, वो फॉरेस्ट का नाम क्या है सर बोलिए? राइट आंसर इज़ योर मोलाई फॉरेस्ट। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच रिवर ऑफ आसाम इज नोन एज गोल्ड रिवर? कौन से रिवर को, आसाम का कौन से रिवर को गोल्ड रिवर बोला जाता है? राइट आंसर इज योर सुबनसिरी। सुबनसिरी को गोल्ड रिवर बोला जाता है। बहुत अच्छा, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है देखिए, द हाईएस्ट रेंज एट द सेंट्रल कार्बी प्लेट्यू इज? कार्बी प्लेट्यू में आपका हाईएस्ट रेंज क्या है आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा। राइट आंसर इज योर सिंहासन। सिंहासन इज द हाईएस्ट रेंज इन कार्बी प्लेट्यू। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच नेशनल पार्क ऑफ आसाम इज फेमस फॉर वाइल्ड हॉर्स? वाइल्ड हॉर्स के लिए हमारा कौन सा नेशनल पार्क फेमस है बोलिए? व्हिच नेशनल पार्क ऑफ आसाम इज फेमस फॉर वाइल्ड हॉर्स? राइट आंसर इज योर डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क हमारे लिए, हमारा नेशनल पार्क वाइल्ड हॉर्स के लिए फेमस है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर टेन में क्या बोल रहा है, हु वॉज द अहोम किंग वेन मीर जुमला इन्वेडेड आसाम? मीर जुमला जब आसाम को अटैक किए थे, तो उस टाइम पे अहोम किंग का नाम क्या था? मीर जुमला जब अटैक किए थे, तो आसाम का किंग थे जैदवज सिंहा। तो आप ऐसे याद कर सकते, जुमला गया। अच्छा हुआ जुमला चला गया, गया से गया तो नहीं होगा, तो हमने गया जाया जैदवज सिंहा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द थर्ड आसामीज फिल्म मनोमती वाज रिलीज्ड इन द ईयर? हमारा फर्स्ट आसामीज मूवी 1935 में हुआ था, सेकंड हुआ था हमारा 1939 पे। तो अगर आपको ऑप्शन पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे सेकंड वाला आया था 1939 पे, तो 35 तो होगा नहीं, 38 तो नहीं होगा। दो, मैं आपको इतना हेल्प कर रहा हूँ, दो ऑप्शन रिजेक्ट कर रहा हूँ, बाकी आप बोलिए। थर्ड आसामीज मूवी था आपका मानोमती, वो कौन से ईयर में आया था बोलिए सर? राइट आंसर इज़ योर 1941। इस ईयर यह था, और ये हमारा ये वाला जो मूवी था आपका मनोमती, मनोमती का डायरेक्टर कौन थे? आपका डायरेक्टर थे, आप ये भी नोट करके रखेंगे, ये थे आपका रोहिणी कुमार बरुआ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। द थ्री मेन जोन्स ऑफ ए बायोस्फीयर रिजर्व इज? बायोस्फीयर रिजर्व्स का मेन तीन जोन का नाम क्या है सर बोलिए? राइट आंसर इज योर कोर, बफर,
मैनिपुलेशन जोन ये है आपका 3 मेन जोन्स ऑफ बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, द 2 बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ आसाम आर, वेरी इजी क्वेश्चन आपको पता होगा। हमारा 2 बायोस्फीयर रिजर्व का नाम क्या है सर, बोलिए। हमारा 2 बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है मानस एंड डिब्रू साइखोवा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, व्हाई वाज सुदंगफा कॉल्ड एज बामुनी कनवार, सुदंगफा को बामुनी कनवार क्यों बोलते थे। हमने शॉर्ट ट्रिक बनाया था, बामुनी कनवार बीड़ी पीते थे, तो ये डी से आता था। आप बोलिए सर, सुदंगफा को बामुनी कनवार क्यों बोलते थे। राइट आंसर इज यो, ही वॉज ब्रॉट अप इन ए ब्राह्मिन्स फैमिली, उनको एक ब्राह्मिन्स फैमिली में वो उनका मतलब ब्रॉट अप हुआ था, इसीलिए उनको बामुनी कनवार बोलते थे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, द कार्बी प्लेट्यू इज आइसोलेटेड फ्रॉम हामरेन प्लेट्यू बाई द रिवर, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपका, कार्बी प्लेट्यू और हामरेन प्लेट्यू के बीच में एक रिवर आता है जो दोनों को सेपरेट करता है। कार्बी प्लेट्यू और हामरेन प्लेट्यू के बीच में एक रिवर आता है जो दोनों को आइसोलेट करता है, सेपरेट करता है। आपको बताना है सर, वो रिवर का नाम क्या है। राइट आंसर इज योर कपिली, के फॉर कार्बी, के फॉर कपिली, राइट आंसर इज योर कपिली। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज इन आसाम, असम में फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा। राइट आंसर इज योर कॉटन कॉलेज, बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द साइनिंग ऑफ द असम एकॉर्ड, असम एकॉर्ड जब आपका साइन हुआ था 1985 में, तो उस टाइम पे आपका इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन थे आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा। राइट आंसर इज योर राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन आसाम रेड सोयल इज द मेन फीचर ऑफ, इन आसाम रेड सोयल इज द मेन फीचर ऑफ, रेड सोयल का मेन फीचर क्या है सर, बोलिए। राइट आंसर इज योर नॉर्थ काचर हिल एरिया, ये आपको कहाँ मिलेगा, नॉर्थ काचर हिल एरिया पे, हिली एरिया वगैरह में मिलता है, आपको पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, महेंद्रनाथ हजारिका इज एसोसिएटेड विथ, महेंद्रनाथ हजारिका इज एसोसिएटेड विथ, महेंद्रनाथ हजारिका इज एसोसिएटेड विथ, क्या किससे रिलेटेड थे। महेंद्रनाथ हजारिका इज योर मृत्युवाहिनी, मृत्युवाहिनी। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी रिवर आइलैंड्स इज आर देयर इन आसाम, हमारा रिवर आइलैंड कितना है सर, बोलिए। हमारा रिवर आइलैंड है 2। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नेम ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र इन तिब्बत, ब्रह्मपुत्र का नाम तिब्बत में क्या है सर, बोलिए। आपको पता होगा, ये हमने काफ़ी बार रिपीट किया है, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है ये आपका। राइट आंसर इज योर यारलुंग संगपो, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम है यारलुंग संगपो। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन श्रीमंत शंकरदेव फ्लेड द अहोम किंगडम ही वॉज गिवेन शेल्टर बाय, श्रीमंत शंकरदेव जब अहोम किंगडम से मतलब गए थे तो उनको कौन मतलब ध्यान रखा था। राइट आंसर इज योर नर नारायण, फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, हुच हिस्टोरियन केम अलोंग विथ मीर जुमला, हुच हिस्टोरियन केम अलोंग विथ मीर जुमला,
मीर जुमला के साथ कौन आए थे सर, बोलिए। राइट आंसर इज योर शहाबुद्दीन तालिश। शहाबुद्दीन तालिश आए थे आपका मीर जुमला के साथ। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। वेयर इज चंपावती वाटरफॉल लोकेटेड। चंपावती वाटरफॉल कहाँ पे है सर, आपको बताना है। वेयर इज चंपावती वाटरफॉल लोकेटेड। राइट आंसर इज योर नोआगांव। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। हु वॉज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आसाम एज वेल एज द नॉर्थ ईस्ट इन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आसाम से कौन ड्राफ्टिंग कमिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ड्राफ्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले जो आपका ड्राफ्टिंग कमिटी बना था, वो ड्राफ्टिंग कमिटी में आसाम से कौन पार्टिसिपेट किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर इज योर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और सादुल्ला का मिनिस्ट्री कब फॉर्म हुआ था, 1937 पे, तो काफ़ी मतलब फेमस कैरेक्टर है, आप जानते होंगे। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 26 पे आ रहे हैं। विच वन इफ ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर यूनिट वॉज बॉर्न आउट ऑफ द आसाम एकॉर्ड। आसाम एकॉर्ड में कौन सा पब्लिक सेक्टर यूनिट बाहर निकल के आया, बोलिए सर। आसाम एकॉर्ड जो आपका 1985 में जो हुआ था, क्वेश्चन में बोल रहा है उस टाइम पे कौन हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ऑनरेबल राजीव गांधी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। तो अब ये बोल रहे कि वो एकॉर्ड के सामने कौन सा पब्लिक सेक्टर हमारे सामने आया था। राइट आंसर इज योर NRL। NRL उस एकॉर्ड से NRL बाहर आया था, मतलब NRL निकल के आया, एक नया मतलब ये पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया, इसका मतलब ये बाहर निकल गया, इसका मतलब ये पूरा निकल गया नहीं। क्वेश्चन नंबर 27। फ्रॉम विच ईयर बोर्दोलोई ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट वॉज स्टार्टेड इन गुवाहाटी। बोर्दोलोई ट्रॉफी फुटबॉल ये आपका कब स्टार्ट हुआ था आसाम में, ये आपको बताना है, बोलिए सर। राइट आंसर इज योर 1952। 1952 में आपका बोर्दोलोई ट्रॉफी फुटबॉल स्टार्ट हुआ था हमारे आसाम में, गुवाहाटी में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गए। अभी हो रहा है हमारा 18 मिनट हो गया, और हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोलेंगे कौन कौन यहाँ तक हमारे साइड प्रेजेंट है। आप हमारा अटेंडेंस लगाइए आपके कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कितने लोग इतने लास्ट तक देखते हैं, तो देखते चेक कर लेते हैं एक बार। लेकिन आप ऑनेस्टली ज़रूर बोलेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कौन कौन हमारे साथ लास्ट तक है। क्योंकि क्या होता है ना, मैक्सिमम लोग ऊपर ऊपर से चले जाते, देख के चले जाते, इससे तो नहीं होने वाला है, तो व्यूज़ बढ़ाने से नहीं होगा सर। आपको पूरा अच्छे से पूरा रिवाइज करके पूरा नोट्स बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे वीडियो देखने से याद ही नहीं रहता है, आपको शॉर्ट नोट ही याद दिलाएगा। तो आप वीडियो देखिए, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका देखिए, मैं तो मानता हूँ मेरे से ज़्यादा सब अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आप ना वो साइड बाई साइड नोट्स बना के भी रखिए, क्योंकि वो बाद में आपका रिवीजन में काफ़ी हेल्प होने वाला है, ठीक है। और हम आपका लास्ट में पूरा प्रीवियस ईयर करा देंगे, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। और काफ़ी स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट ये था कि इंग्लिश का सीरीज स्टार्ट करने के लिए, तो वो भी सोचेंगे, वो भी करेंगे। आप हमें इतना प्यार कर रहे हैं तो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है। हु रिप्रेजेंटेड द मुगल साइड इन द ट्रीटी ऑफ गिलाजरी घाट। आपका गिलाजरी घाट जो हुआ था, मुगल साइड से कौन रिप्रेजेंट किए थे, आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा। ट्रीटी ऑफ गिलाजरी घाट जो हुआ था आपका, इसमें आपका मुगल साइड से कौन रिप्रेजेंट किए थे। राइट आंसर इज योर मीर जुमला। मीर जुमला पार्टिसिपेट किए थे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हु वॉज द चीफ ऑफ द स्वराज पार्टी इन आसाम। हु वॉज द चीफ ऑफ स्वराज पार्टी इन आसाम। स्वराज पार्टी का चीफ कौन थे असम में। राइट आंसर इज योर तरुण राम फुकन। कौन थे सर, तरुण राम फुकन।
मतलब बहुत तरुण एज में उनको स्वराज मिल गया था। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग विच डायनेस्टी मदन कामदेव टेम्पल वॉज बिल्ड। ड्यूरिंग विच डायनेस्टी मदन कामदेव टेम्पल वॉज बिल्ड। ड्यूरिंग विच डायनेस्टी मदन कामदेव टेम्पल वॉज बिल्ड। ड्यूरिंग विच डायनेस्टी, बोलिए सर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या है। मदन कामदेव टेम्पल आपका कौन से डायनेस्टी में बिल्ड किया गया था। राइट आंसर इज योर पाला डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 31। द सुबनसिरी वॉज फिक्स्ड एज द बाउंड्री बिटवीन द अहोम एंड द किंग कोच किंगडम बाई। सुबनसिरी हमारा बना था बाउंड्री बिटवीन अहोम एंड कोच किंगडम। अहोम एंड कोच किंगडम के बीच में आया सुबनसिरी आया। क्या आया? सुबनसिरी आया। अब ये बोल रही है सुबनसिरी जो आया, द सुबनसिरी वॉज फिक्स्ड एज द बाउंड्री बिटवीन द अहोम एंड कोच किंगडम बाई व्हाट। मतलब कोई एक ट्रीटी से तो ये सुबनसिरी आया, वो कौन सा ट्रीटी था वो आपको बताना है। सुबनसिरी हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ माजुली किसके साथ। ट्रीटी ऑफ सुबनसिरी जो आया वो किससे आया आपका, ट्रीटी ऑफ माजुली से आया। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। व्हिच रिवर इज नोन एज द रिवर ऑफ ब्लड। कौन से रिवर को आपका रिवर ऑफ ब्लड बोला जाता है। राइट आंसर इज योर लोहित। लोहित रिवर को रिवर ऑफ ब्लड बोला जाता है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अहोम किंग इंट्रोड्यूस्ड द बुरांजी रिटेन इन आसाम। क्वेश्चन है आसाम में बुरांजी कौन इंट्रोड्यूस किए थे, बोलिए सर। आसाम में बुरांजी इंट्रोड्यूस किए थे आपका सुकाफा इंट्रोड्यूस किए थे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34। डैश इज द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया। इंडिया में जो आपका ओल्डेस्ट जो रिफाइनरी है उसका नाम बताना है सर। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता भी होगा। ओल्डेस्ट है आपका डिगबॉय इज द ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया जो आसाम में है। क्वेश्चन नंबर 35। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम डज नॉट हैव एनी इंटरनेशनल बाउंड्री विथ बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कौन सा डिस्ट्रिक्ट अपना इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बना रहा है। हाइलाकांदि तो बनाता है, बांग्लादेश के साथ हाइलाकांदि नहीं बनाता है। कचार बनाता है, करीमगंज भी बनाता है, डुबरी भी बनाता है, लेकिन हाइलाकांदि नहीं बनाता है। आपको बताना है व्हिच डज नॉट हैव एनी इंटरनेशनल बाउंड्री, तो कौन किसका नहीं है, हाइलाकांदि का नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सर आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका हाइलाकांदि। बहुत अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहे हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ बोर्दोई चिला इन आसाम। बोर्दोई चिला किससे रिलेटेड है आपको बताना है सर, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या आ रहा है आपका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ बोर्दोई चिला इन आसाम। राइट आंसर होगा आपका प्री मानसून सीजन। बोर्दोई जिला इज रिलेटेड टू द प्री मानसून सीजन। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37। द डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन आसाम इज। कहाँ पे आपका सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है ये आपको बताना है। हाईएस्ट कहाँ है वो आपको कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बोलेंगे। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी PD पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है आपको बताना है। लोएस्ट है आपका डिमा हसाओ पे, सबसे लोएस्ट है, और हमें कमेंट सेक्शन में आप हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन आसाम इज। आसाम में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा है ये आपको बताना है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन आसाम इज
राइट आंसर इज योर दिहिंग, दिहिंग पटकाई रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 39 पे आ गए। द मेजर रिजर्व ऑफ लाइमस्टोन आर इन डैश एंड डैश डिस्ट्रिक्ट। मेजर रिजर्व ऑफ लाइमस्टोन आर डैश एंड डैश डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे मिलता है सर, बोलिए। राइट आंसर इज योर डिमा हसाओ एंड कार्बी आंगलोंग, डिमा हसाओ एंड कार्बी आंगलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। आसाम होस्टेड द नेशनल गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन, कौन से ईयर पे आपका नेशनल गेम्स हुआ था, असम में फर्स्ट टाइम नेशनल गेम्स कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था आपका, हुआ था 2007 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था सर, हुआ था हमारा गुवाहाटी पे हुआ था नेशनल गेम्स। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने ये रहा। द ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन सॉइल इज कॉल्ड, ऑर्गेनिक सब्सटेंस फाउंड इन सॉइल इज कॉल्ड, राइट आंसर इज योर ह्यूमस। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहे भाई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम डज नॉट कम अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बीटीसी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम डज नॉट कम अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बीटीसी, राइट आंसर इज योर बोंगाईगांव। बोंगाईगांव आपका बीटीसी के अंडर पे नहीं आता है। बीटीसी के अंदर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे, इससे ना आपका ना मतलब लर्निंग हो जाता है। बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी कमेंट्स में रिप्लाई देख के भी वो लोग सीखते हैं, तो आप उनको भी हेल्प कीजिए, मतलब है ना, ये हमारे लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म ही है और कुछ नहीं। कुछ आप हमसे सीखेंगे, हम आपसे कुछ सीखेंगे। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहे हैं सर, देखिए। द गाय ए ट्रिब्यूटरी और ट्रू ब्रह्मपुत्र इज सिचुएटेड बिटवीन, ये गाय एक ट्रिब्यूटरी है, ये कौन से दो लोकेशन का आपका ट्रिब्यूटरी है का जो मिलता है, ये आपका कौन से दो लोकेशन के बीच में मिलता है, बोलिए सर। ये आपका एपीएससी का क्वेश्चन है, यह एपीएससी 1999 में पूछा गया। राइट आंसर इज योर दिहांग एंड सुबनसिरी, गाय जो है वो मिलता है आपका दिहांग एंड सुबनसिरी पे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रहे हैं, इन व्हिच ईयर द कैपिटल ऑफ आसाम इज शिफ्टेड फ्रॉम शिलोंग टू दिसपुर, कौन से ईयर पे आपका शिलोंग से दिसपुर कैपिटल शिफ्ट हुआ था हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी। यस यू आर राइट, आंसर इज योर 1972। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल साइट्स कंटेन्स एग्जांपल्स ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल साइट्स कंटेन्स एग्जांपल्स ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर, कहाँ पे आपका एग्जांपल्स ऑफ गुप्ता आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल मिलेगा वो आपको बताना है। राइट आंसर इज योर द पर्वतिया, पर्वतिया में आपको गुप्ता आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल्स वगैरह मिलेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 46 पे आ गए। 46 में क्या बोल रहे हैं, हिंदुइज्म वाज एस्टैब्लिश्ड इन प्रागज्योतिषपुर बाय द किंग, वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा हिंदुइज्म जो आपका प्रागज्योतिषपुर में जो एस्टैब्लिश हुआ था ये कौन से किंग के द्वारा हुआ था, राइट आंसर इज योर नरकासुर। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज द कामेंग इन अरुणाचल प्रदेश, कौन सा रिवर का नाम बोला जाता है कामेंग, अरुणाचल प्रदेश में कौन से रिवर को कामेंग बोला जाता है ये आपको बोलना है, राइट आंसर इज योर जिया बाराली, राइट आंसर इज योर जिया बाराली को कामेंग बोला जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में, बहुत अच्छा। फिर क्वेश्चन नंबर 49 पे आ गए, 48 पे आ गए। पिंक ग्रेनाइट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन व्हिच हिल ऑफ ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट, आपका पिंक ग्रेनाइट जो है
स्प्रिंग ग्रेनाइट हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन व्हिच हिल ऑफ ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट। पिंक ग्रेनाइट कहाँ पे डिस्कवर हुआ था बोलिए सर। राइट आंसर इज योर अजयगढ़ हिल्स। अजयगढ़ हिल्स में आपका पिंक ग्रेनाइट डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है द दिगली फुकुरी इन गुवाहाटी इज एसोसिएटेड हुई। दिगली फुकुरी इन गुवाहाटी में आपको पता होगा काफ़ी फेमस है, पार्क वगैरह बना हुआ है। दिगली फुकुरी इन गुवाहाटी इज एसोसिएटेड हुई। राइट आंसर इज योर भगदत्ता। राइट आंसर इज योर भगदत्ता। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए। आज का लास्ट क्वेश्चन है द ओहम माइदम्स आर शेप्ड लाइक। ओहम माइदम्स जो है आपका, ये आपका कौन से शेप में है वो आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, आपने देखे होंगे ये वाला चीज़। तो यही तक था हमारा आज का ये वाला सीरीज, और हम कोशिश करेंगे अगले दो लेक्चर में आपका ये पूरा हम सीरीज़ ख़त्म करा दे। उसी के साथ ही साथ आपका रीजनिंग भी हम कवर करा देंगे। फिर रीजनिंग ख़त्म होने के बाद इस महीने के लास्ट तक हमारा मैथ्स भी ख़त्म हो जाएगा, और साइड बाय साइड हमारा जीएस भी चलता जाएगा, और एससीईआरटी का भी आपका रेगुलर लेक्चर मिल ही रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट ये है कि उन्होंने हम इंग्लिश भी स्टार्ट करें, तो इसी के साथ पैरेलली जब हमारा सिलेबस और थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो हम वो भी शुरू कर देंगे। और लास्ट वन मंथ जो नेक्स्ट हमारा वन मंथ होने वाला है वो हमारा पूरा प्रीवियस ईयर ही होने वाला है। तो काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम डेट चेंज होने का चांसेस है क्या। मेरा ऐसा सेंस है कि शायद डेट होने चांसेस है, क्योंकि अभी आपको एनवायरनमेंट पता है कि काफ़ी सारा लॉसेस वगैरह हुआ है, स्टूडेंट्स को टाइम नहीं मिला है। तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली टाइम देगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि प्रिपरेशन के लिए स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। अभी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सिचुएशन नॉर्मल हुआ है असम में। तो गवर्नमेंट भी बहुत एक अच्छा सोच के साथ ही आगे बढ़ते, तो अगर डेट थोड़ा टाइम एक्सटेंड होता है तो हमारे लिए अच्छा ही, हमें प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलेगा। मतलब लास्ट एक महीना तो पूरा बेकार गया स्टूडेंट्स का, मतलब आपको पता होगा फ्लड वगैरह असम फ्लड वगैरह के लिए। तो जब भी ये डेट वगैरह एक्सटेंड होता है ना सर, तो ये ये ध्यान में रखा जाता है। मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करना एक उनके लिए एक सरदर्द नहीं है, एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है अब हमारे लिए अच्छे के लिए, हमें एक जॉब देने के लिए। और वो भी मानते होंगे कि बेस्ट ऑफ बेस्ट आए, और बेस्ट ऑफ बेस्ट लाने के लिए ऑब्वियसली दे शुड गिव अस सम टाइम। अभी देख लीजिए जैसे DHS का दो डेट आके कैंसिल हो चुका है, क्योंकि ये हमारा फ्लड के टाइम पे डेट आया था तो डेट को एक्सटेंड करना पड़ा। तो ये डेट अभी इस महीने में आपका DHS शायद हो जाए, फिर उसके बाद फिर वो हमें टाइम देंगे और एक डेढ़ महीना टाइम देंगे। तो हमारे हिसाब से शायद सितंबर में एग्ज़ाम हो, मतलब मेरा ऐसा सेंस बोलता है कि डेट एक्सटेंड होने का चांसेस है। तो मैं ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ, SCERT लेक्चर आप ज़रूर अटेंड कीजिए, इससे बहुत बेनिफिटेड होंगे आप। तो इसी के साथ हम यही लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। जाते जाते आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, आगे आपका लेक्चर रेगुलरली मिलता रहेगा। तो इसी के साथ हम आपका विदा लेते, तब तक खुदा हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।